1857 की क्रांति में दिल्ली, झांसी, बिठूर और करवी में कुछ ऐसा हो जाता है जिससे अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिल जाती हैं। इसकी शुरुआत तो कंपनी के आम कर्मचारियों के द्वारा होती है, लेकिन पेशवाओं के इस मुहिम में जुड़ जाने से अंग्रेज बहादुर की जड़ें हिल जाती हैं। करवी के मोर्चे में सबसे बड़ी जंग 25 दिसंबर 1858 को लड़ी जाती है। इतिहासकारों की माने तो करवी इस पूरी 1857 की जंग में सबसे आखिर तक मोर्चे पे डटा रहता है। स्वागत है आपका ग्राउंड जीरो में, मैं अनुज हनुमत आपके साथ, और चित्रकूट के विषय में आज बात करेंगे। चित्रकूट जो गणेश बाग के नाम से जाना जाता है, गणेश बाग जैसे महत्वपूर्ण स्थानों के लिए जाना जाता है, चित्रकूट जो कि पुरानी कोतवाली के स्ट्रक्चर के लिए जाना जाता है, चित्रकूट जो कि अनगिनत ऐसे ऐतिहासिक स्मारकों के लिए जाना जाता है जो चित्रकूट के गौरव को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ चित्रकूट के इतिहास पर बात करने के लिए और जो पेशवाई इतिहास रहा है, पेशवाई जो गरिमा रही है भारतीय संस्कृति की, वो कैसी थी, क्या कुछ था, इस सब पे बात करने के लिए मेरे साथ ग्राउंड जीरो के स्टूडियो में प्रभाकर नारायण राव पेशवा जी मौजूद हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण शख्स हैं और हम सारे चित्रकूट के विषयों पे इनसे बातचीत करेंगे। स्वागत है आपका ग्राउंड जीरो पे। आप सबका भी स्वागत है और पेशवा की ओर से आप सबको हर हर महादेव। सबसे पहले जब आप लोग हर हर महादेव बोलते हैं तो काशी याद आता है, और काशी, चित्रकूट और पेशवाई, इन तीनों का बड़ा आपस में जुड़ाव। हर हर महादेव मराठा इतिहास में एक बड़ा इम्पोर्टेंट उद्घोष इसलिए है कि चित्रकूट की धरती से हमारे दूसरे पेशवे आते हैं जिनको कहते हैं कलश कानिक उपजे। इनको कवि कलश के रूप में भी जाना जाता है। तो जब औरंगजेब ने हमारे महाराज शंभाजी राजे की हत्या की तो उसके साथ उन्होंने कवि कलश की भी हत्या की, लेकिन उससे पहले उन दोनों की जबान काट ली गई थी, क्योंकि कवि कलश बड़ा खर बोलते थे। तो जब कवि कलश की जबान काटी गई तो कवि कलश के बजाय स्वयं छत्रपति वो शब्द बोलते थे। इसीलिए हमारे उस उद्घोष में जब छत्रपति को मारा जा रहा था तो उन्होंने हर हर महादेव बोलना शुरू किया, और यहीं से हम लोगों के यहाँ ये परंपरा शुरू हुई कि जब हम किसी भी दूसरे व्यक्ति को ग्रीट करते हैं या उससे मिलते हैं तो हेलो या फिर कुछ और बोलने के बजाय हर हर महादेव से उसे ग्रीट करते हैं। और स्वयं महादेव की शक्ति से ये पूरा हिंदवी साम्राज्य स्थापित हुआ है और चित्रकूट उसका सेंटर रहा है। चित्रकूट को लेके तो सभी लोग ये सोचते हैं कि भगवान राम की कर्मस्थली है चित्रकूट, ऋषि मुनि भी यहाँ अध्यात्म के लिए आते हैं, तपस्या करते हैं, लेकिन बात जब करवी की होती है या बात जब होती है कि जो मराठा इतिहास था पेशवाओं, इस पे जब बात होती है तो बहुत सारा लोगों को नहीं पता है। तो सबसे पहले करवी के विषय में अगर बात करें तो करवी का कैसा इतिहास है, किस तरीके से आप लोगों को बताना चाहेंगे? करवी का अर्थ होता है उगता हुआ सूरज। अब जब हम लोगों को महाराजा छत्रसाल ने मदद के लिए बुलाया, जब मुगल उनके ऊपर चढ़ाई कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि महाराजा छत्रसाल बचेंगे नहीं, तो पूरे पेशवा फोर्सेस ने महाराजा छत्रसाल की मदद की और इसके एवज में हम लोगों को बुंदेलखंड का ये पूरा इलाका मिला। अब बुंदेलखंड मिल जाने के बाद पेशवाओं के पूरे देश में हमलों की जो तैयारियां हैं वो इसी जगह पे होने लगी और करवी पेशवाओं का एक मिलिट्री सेंटर बन गया। करवी के मिलिट्री सेंटर की तासीर ये थी कि लगातार 10,000 से 20,000 की वेल ट्रेन्ड मराठा सेना 24/7 करवी में उपस्थित रहती थी। और करवी शहर जो है वो इसीलिए पेशवाओं ने चुना क्योंकि यहाँ पे भगवान राम से रिलेटेड काफी सारे मंदिर थे, काफी धार्मिक मंदिर थे, और हमें इस बात का गर्व है कि उत्तर भारत में लगभग सभी बड़े मंदिरों के ऊपर हमले हुए, लेकिन पेशवाओं की प्रेजेंस और डोमिनेंस के कारण चित्रकूट का जो मंदिर कॉम्प्लेक्स हैं वो हिंदुस्तान में उत्तर भारत में अक्षुण्ण बने रहे। और इसकी मुख्य वजह ये थी कि पेशवाओं की 10,000 की एक लीथल फोर्स 24 आवर्स करवी में बनी रहती थी। और करवी अपने आप में एक बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर था, जिस जगह पे हिंदुस्तान को चलाने वाले पेशवा बैठे हुए थे।
जो 5 साल के अंदर 4 मुगल बादशाहों को अपनी अपने दम पे बदल देते थे, तो ऐसी जगह जब पेशवा बैठे होंगे तो निश्चित ही ये बात है कि करवी देश के लिए ही नहीं परंतु इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का भी एक बड़ा सेंटर रहा है। पुणे के बाद जो पेशवाओं की द्वितीय राजधानी जिसे कहते हैं वो करवी ही है।